सूबे में मेडिकल कॉलेजों के प्रवेश के लिए चल रही नीट काउंसलिंग प्रक्रिया में गड़बड़ झाले की शिकायत पर एसएमएस मेडिकल कॉलेज में दूसरे दिन भी विरोध देखने को मिला है। नीट काउंसलिंग बोर्ड के दो राउंड की ऑनलाइन काउंसलिंग के बाद जो सीट मेरिट जारी हुई है उसमें एसएमएस समेत अन्य मेडिकल कॉलेजों में 700 से अधिक सीटें अभी भी खाली हैं। ऐसे में जैसे ही आज मॉक अप राउंड शुरू हुआ तो हाई रैंक वाले स्टूडेंट और अभिभावकों ने धांधली का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा कर दिया। अभिभावकों का कहना है कि योजनाबद्ध तरीके से चहितों को फायदा देने के लिए यह रास्ता निकाला गया है। छुट्टी के दिन मॉकअप राउंड पूरा किया जा रहा है जो सरासर गलत है। जयपुर पढ़ने जरूरत पड़ने पर विरोध करने वाले कानूनी रास्ता अपनाने को भी तैयार है। तो आज जयपुर में जमकर हंगामा देखा गया है। एसएमएस के बाहर जो अभिभावक है जो स्टूडेंट है उनका कहना है कि जिस तरीके से आज संडे के दिन मॉकअप करवाया जा रहा है ये भी गलत है और जो प्रक्रिया चुनने में अपनाई गई है वो भी कहीं ना कहीं फेयर नहीं है, उसमें धांधली की गई। मेरी नीट में ऑल इंडिया रैंक 7332 है। कल मॉपअप राउंड में मुझे ये पता लगा भाई जिसकी ऑल इंडिया रैंक 13000 है उसको भी वो कॉलेज मिल गई जो मेरे को नहीं मिल पाई। मुझे भीलवाड़ा कॉलेज अलॉट हुआ जो मेरी 9th नंबर की चॉइस थी और 10000 ऑल इंडिया रैंक वाले को एसएमएस मेडिकल कॉलेज मिल गया जिसकी कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई होती। मुझे सेकेंड राउंड के अंदर झालावाड़ पेमेंट सीट अलॉट कर दी गई और कल ही मुझे पता चला कि मेरे से कम नंबर वाले यानी कि जिनकी रैंक ज्यादा आ रही है उनको गवर्नमेंट की फ्री सीट अलॉट कर दी गई है। तो आज मैंने जब उसे पता किया कि हम सेकेंड राउंड से रिजाइन कर सकते हैं तो उन्होंने कहा कि आप सेकेंड राउंड से रिजाइन भी नहीं कर सकते। मुझे आ रही है जिस पेमेंट सीट मैंने उठाई थी और अब मॉपअप राउंड में 13-13 4000 रैंक थी मेरी और अब 13-13 हज़ार रैंक तक लोगों को एसएमएस मेडिकल कॉलेज मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि सबको पता था कि वो रिजाइन करके आ सकते थे वरना सब लोग आ जाते। मेरे नीट में 623 नंबर हैं, स्टेट रैंक 570 है और अब ऐसा हो रहा है स्टेट रैंक जिसकी 2200 है उसे एसएमएस मिल रहा है, जिसके 580 नंबर है उसे भी एसएमएस मिल रहा है। जब रिजल्ट 26 जुलाई को आना चाहिए था तो वो 1 अगस्त को आ गया था, तभी कुछ फ्रॉड हो गया था पर उन लोगों ने कुछ भी नहीं बताया और अंदर ही अंदर सीटें दे दी। गुपचुप पता नहीं ये कहाँ से सीट इतनी खाली करके ले आए कि 20 सीट तो एसएमएस में खाली हो गई और गवर्नमेंट सीटें लगभग जो सेकंड काउंसलिंग जिसमें लोगों की 8-8 9-9 वेटिंग पे ये चीज़ें ऑप्शन पड़े हैं वो उनको मिल नहीं रहा। मतलब ऐसे भी लोग हैं जिनको 8th ऑप्शन भी नहीं मिल रहा और यहाँ फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सबको 20 लोगों को बाद में दिया।